तो डेटा सिलेक्शन आज की हमारी टॉपिक है। हम बात करेंगे कैसे डेटा सिलेक्ट करें। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हम दूसरे दिन ही डेटा सिलेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इसका रीजन ये है क्योंकि हम आगे कुछ भी करेंगे तो पहले हमें डेटा एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे कॉपी करना है, सो नीड द सिलेक्शन। विदाउट सिलेक्शन कॉपी तो नहीं कर सकते। हमें फॉर्मेटिंग करनी है, हमें कुछ भी करना है, पिवट अप्लाई करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, तो हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जब डेटा हमारे पास काफी बड़ा होता है तो सिलेक्शन में होती है प्रॉब्लम। सो आज हम सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे आपके सामने ये डेटा है, छोटा सा डेटा है। अब छोटा सा डेटा इसलिए रखा हूं ताकि आपको इफेक्ट समझ में आए कि किससे क्या होता है। अब मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है माउस से सिलेक्ट करना है, तो क्लिक कर को क्लिक को होल्ड रखते हुए नीचे आप आते हैं और डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल है। लेकिन एक तरीका और है, अगर माउस से सिलेक्शन करते हैं तो आप सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द डेटा को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड का शिफ्ट की होल्ड करें और सबसे लास्ट वाले डेटा को सिलेक्ट कर लें। मैंने बताया कि सबसे स्टार्ट वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड के शिफ्ट को होल्ड करना है और सबसे नीचे लास्ट वाले डेटा को करना है सिलेक्ट। डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसका इसका समझिए कि इसका क्या है। जैसे क्या यहाँ पे कर्सर है, अब मैं यहाँ नीचे क्लिक करूंगा तो कर्सर ऊपर से नीचे मूव होके आएगा कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे ही हम सिलेक्शन कर लेंगे तो शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो सिलेक्शन होगा ना कि मूव होगा कर्सर। तो सेम थिंग, हमने यहाँ पे कर्सर रखा, कीबोर्ड के शिफ्ट को हमने होल्ड करके यहाँ पे क्लिक किया तो डेटा सिलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट और एरो की का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। उसके अलावा एक दो शॉर्टकट भी है, जैसे कि कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ए फॉर ऑल। कंट्रोल ए करते भी डेटा सिलेक्ट हो जाता है। एक बार कंट्रोल ए करेंगे तो आपका डेटा सिलेक्ट होगा, दो बार करूंगा तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होगी। एक बार कंट्रोल ए करूंगा तो डेटा सिलेक्ट होगा, दो बार करूंगा तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होगी। हालांकि शीट को सिलेक्ट करने के लिए वन और ए के ऊपर इस ट्रायंगल पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस ट्रायंगल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर सारी की लेकिन जब भी आप कंट्रोल ए करते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखिएगा। क्या प्रॉब्लम है? जैसे अभी मैंने एक लाइन जो है, ब्लैंक रो जो है, इसके अंदर दे दिया है। अब ब्लैंक रो हो जाने के कारण क्या होगा कि जैसे मैं कंट्रोल ए करूंगा आप देखेंगे कि ऊपर का जो आपका है डेटा सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट बड़ा नहीं होगा। अब मुझे नीचे का डेटा को भी सिलेक्ट करना है तो फिर मैनुअली हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंट्रोल ए करते हैं तो कोई ब्लैंक लाइन नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि कई बार हमारे पास डेटा काफी बड़ा होता है, और मान लीजिए कि आपका 90,000 रो का डेटा है और आपका 70-72 हजार के पास ब्लैंक है। आपने स्क्रॉल करके देख लिया भाई डेटा ठीक है, आपने कंट्रोल ए कर लिया। बाद में आपको पता चलेगा कि नीचे के जो कुछ 10-20 हजार के रोज है वो तो कंसीडर ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक था, एक रो पूरा का। क्वेश्चन आता है कि कोई सेल ब्लैंक है, पता कैसे करें इसको? तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल तरीका यह है, यहाँ पे कर्सर रखें, अपने कीबोर्ड के साथ डाउन एरो की प्रेस करें, आपका कर्सर वहीं पे जाके रुकेगा जहां पे ब्लैंक है। ठीक है? डाउन में, अगर आपको आपको डाउन में चेक करना है तो डाउन में राइट, डाउन अप लेफ्ट, इस तरह से आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये सीरीज को मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पे कर्सर है, अगर मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूँ तो फिल सीरीज, मतलब जो नंबर फिल है, फिल सेल को मेंटेन करेगा, जहां पे उसको ब्लैंक दिखेगा वहीं पे जाके रुक जाएगा क्योंकि वहां पे सीरीज ब्रेक हुई है।
लेकिन आपको सिलेक्शन करना है इसके साथ भी, तो एक कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, राइट एरो डाउन डाउन एरो राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंड भी प्रेस करते हैं ना, डेटा सिलेक्ट होता है, ई एन डी एंड, एंड नाम का एक कीवर्ड होगा आपके पास, उससे भी आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एंड ने ये फालतू के लिए क्यों सिलेक्ट किया। बेसिकली एंड हो गया या होम हो गया, वो क्या करता है, यूज्ड सेल को लेता है, मतलब कि ब्लैंक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इसको यूज किया है ना, भले ही आपने टाइप करके डेटा डिलीट कर दिया, बट आपने यूज किया है इसको, तो क्या करेगा, और डिलीट कर देगा। जैसे यहां पे देखिए, मैं कंट्रोल ए करता हूं तो डेटा मेरा सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट हो रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट हम एंड करते हैं तो जहां कर्सर वहां से नीचे की डेटा सिलेक्ट हो गई, फालतू डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया है अभी तक। अब यहां पे बारी आती है कि मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताया, अब जाहिर सी बात है आपने कहीं पे नोट किए नहीं, और रिकॉर्डिंग से फिर आपको नोट करना यूज करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने आपको सिलेक्शन से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स की लिस्ट मैंने दी है, क्लास के बाद ये फाइल आपको भेज दूंगा, तो आप आराम से बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे मल्टी सेल सिलेक्शन करनी है, मल्टी सेल, तो अपने कीबोर्ड के कंट्रोल को होल्ड करें, पहले क्लिक करें, कंट्रोल को होल्ड रखें, और जो जो सेल सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो सारा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस पे आप बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, आप कॉपी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आपको कॉपी करना हो तो एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, जैसे आप एक क्लिक किए और हमने अपने कीबोर्ड को कंट्रोल को होल्ड किया, अब मैं सेलेक्ट यहाँ पे कॉपी सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं वहां वहां सिलेक्ट कर रहा हूं जहां जरूरत है, हम इसको कॉपी कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में सिलेक्ट हुए हैं, सिक्वेंसली सिलेक्ट हुए हैं, मतलब हम दो रो को किए तो सब में दो रो ही है, कम नहीं है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल को होल्ड किया, इस तरह से क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी मेरी जो सिलेक्शन है वो उसी तरह से सिलेक्ट हुई है। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूं क्योंकि इसमें कोई और कॉलर नहीं है, या फिर मैंने ए और बी जो है एक और दो को सिलेक्ट किया तो डी कॉलम में भी डेटा सिलेक्ट करना है, तो डी कॉलम में भी मुझे एक और दो को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जी आपका जी कॉलम में भी सेम इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, देन मैं इसको कॉपी कर पाऊंगा, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप सिलेक्ट अलग अलग कीजिएगा, लेकिन जब कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो एक साथ पेस्ट होगा, अलग अलग नहीं होगा। और सेम काम हम सीट्स पे भी करते हैं, हम एक नया वर्कशीट यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे मैं कई सारे शीट्स इंसर्ट कर देता हूँ, अब मुझे क्या करना है कि डेट टाइप करना है और सारे शीट पे डेट टाइप करना है। जनरली क्या करेंगे आप, एक जगह पे डेट टाइप करेंगे देन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि सबसे पहले शीट पे सिलेक्ट क्लिक कीजिए, शिफ्ट की को होल्ड कीजिए, सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक कीजिए, बीच की सारी सीट सिलेक्ट हो जाएगी, ऊपर हेडिंग में ग्रुप आ जाएगा और यहाँ हम जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने दिया यहाँ पे डेट, और यहाँ पे हमने अपना डेट डाल दिया, एंटर प्रेस किए, देखिए डेट आ गया। अब हर एक सीट पे आप देखेंगे सेम लोकेशन में डेट सिलेक्टेड लिखा हुआ है, लेकिन मुझे सारे सीट में नहीं, कुछ सिलेक्टेड शीट में चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के शिफ्ट के जगह पे कंट्रोल को होल्ड करेंगे और जो जो शीट चाहिए उन शीट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया शीट 1, शीट 5 और शीट 2,
अब यहाँ पे मैं टाइम लिख रहा हूँ और यहाँ पे टाइम दे दिया और टाइम को फॉर्मेटिंग भी कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट भी यहां से कर दिया। आप देखेंगे कि सीट 4 पे नहीं हुआ क्योंकि सिलेक्शन में नहीं था, बट सीट 5 में हुआ। सीट 6 सिलेक्शन में नहीं था, सीट 7 में, सीट 2 में हुआ। इस तरह से आप एक ही बार में कई सारे शीट्स पे टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सिलेक्शन जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये शॉर्टकट सारे हैं, आप उसका यूज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप, कि हम डेटा कैसे टाइप करें। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक्सेल में जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूं सुजीत एंड कुमार, अब देखेंगे कुमार में MAR का कुछ पार्ट करके बी बी के पास चला गया है। ऐसा नहीं कि बी में एंट्री हो गई, वो एंट्री ए में ही हुई है। क्या होता है कि एक्सेल में कोई भी वैल्यू सेल के अंदर कंटेन होता है, मतलब कि एक तरह से खाने बने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्या बोलते हैं जो लॉकर्स होते हैं ना, लॉकर्स सामने दिखते छोटे हैं लेकिन अंदर काफी लंबे होते हैं, सेम उसी तरह से ये लॉकर की तरह होता है कि आप इसके अंदर जो भी टाइप करते हैं अंदर आता है, बाहर नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉलम साइज नहीं है। कॉलम की साइज को बढ़ाएंगे तो पूरा दिखेगा, ठीक है। तो सेल के वैल्यू के अंदर कंटेन होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई टाइप कीजिए, जैसे मैं टाइप किया पूजा, तो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में रहा, इसमें रहा लेफ्ट में, लेकिन यही मैं 500 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो जब भी कोई टेक्स्ट टाइप होता है तो हमेशा लेफ्ट में होता है, लेकिन जब हम कोई वैल्यू नंबर टाइप करते हैं वो हमेशा राइट में होता है, एक इंडिकेशन देता है। हालांकि मैं लेफ्ट राइट मीन अपने हिसाब से जहां करना चाहूं हम नंबर टेक्स्ट को कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो है लेफ्ट में होता है। लेकिन अगर आपने कभी लिख दिया नंबर के साथ किसी तरह का टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट कहलाता है, मतलब इसके ऊपर हम किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, समझे? कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते इस पे। अब ऐसे क्यों बता रहा हूं कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, 20 फीट, इस तरह से लिख देते हैं। अब इस तरह से लिखने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं इनका सम नहीं कर सकता, क्योंकि FT जो आपने लगा दिया तो क्या बन गया, टेक्स्ट बन गया। तो इसका टोटल करना है, सम करना है, कैलकुलेशन करना है, हम नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको दो तरीके करना पड़ेगा, दो दो तरीके। एक कि आप दो कॉलम यूज कर ले, कि 5 फीट इस तरह से, 6 फीट, 10 फीट एंड 20 फीट, इसको हम सम कर सकते हैं, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर हमें अलग यूज नहीं करना, हमें एक साथ ही लिखना है और सम भी करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू जैसा ऐसा रखना है और साथ में कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लास्ट में फर्स्ट में। तो यहां पे मैंने 0 और इनवर्टर कॉमा में FT लिख दिया, 0 के साथ क्या कर दिया, FT, या जो भी टेक्स्ट है इनवर्टर कॉमा में लिख दीजिए, देन ओके की। अब आपको देखने के लिए 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट पड़ा है, तो देखने के लिए, विजुअल के लिए दिखावा है, बट एक्चुअल में आप इसके ऊपर F2 प्रेस करेंगे या यहां जाएंगे तो ये 20 ही रहेगा, जिससे क्या होगा कि इस पे हम सम वगैरह आसानी से कर सकते हैं, ठीक है सर। सेलेक्ट जी, समझ में आया आपको? समझ में। अगर उसको हमें टेक्स्ट को पहले करना है और न्यूमेरिक को बाद में करना है तो उसका तो तो 0 के रिवर्स आगे कर पीछे देंगे, कर राइट? दीजिए, हमने यहां पहले 0 लगाया है ना, आपको बाद हाँ, में उसको करना बाद है, में कर देंगे। बाद में 0 लगा दीजिए, 0 देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, क्यों?
नहीं जीरो नहीं भाई, देंगे तो आप टैक्स शो ही नहीं होगा, सही, टैक्स सिर्फ शो होगा, नंबर शो नहीं। जैसे जीरो हटा दिया ना, तो सिर्फ एफ टी एम टी शो हो रहा है, नंबर नहीं शो हो रहा है। नंबर है जरूर है, ऐसा नहीं डिलीट हो गया है, लेकिन वो छुप गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोहरे में सूरज छुप जाता है और हम समझते हैं कि अंधेरा हो गया, बट अंधेरा थोड़ी हुआ है, कोहरे में छुपा हुआ है। अगर क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, उसके बाद में अगर आप जीरो टाइप करें तो फिर आ जाएगा? इसके ओके परफेक्ट, बारे में और हम जितनी आपको स्पेस एक रखेंगे और उतनी पेस आ क्लास, जाएगी ना। इसके ये बस ओवरव्यू कर रहा हूं मैं, इसकी डिटेल क्लासेस हम कुछ दिनों बाद लेंगे आपके साथ, हाँ जी, हाँ जी, ओके। ठीक है? बस बता रहा हूं कि कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे करें, कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह से मत कीजिएगा, जिसपे कैलकुलेशन होना है उस नंबर के साथ कभी भी किसी भी तरह का लेटर ऐड नहीं करना है, ओके। समझ गया? डायरेक्ट एंट्री इस तरह से नहीं करना है, कभी भी नहीं। ये नियम है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म वाक्य है, वरना फिर नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। यहां पे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब डेट टाइप करने की। तो डेट टाइप करने से पहले आप चेक करें कि आपका सिस्टम का डेट फॉर्मेट क्या है। देखिए यूएस वगैरह में तो होता है MMDDYY, राइट? मतलब अगर यूएस में मुझे डेट लिखना है, आज का डेट लिखना है, तो पहले 2 लिखूंगा, फिर /12 लिखूंगा। करेक्ट। लेकिन इंडिया में डेट का टाइम होता है मेथड DDMMYY, तो 22/2। लेकिन वो डिपेंड करता है आप इंडिया में हो यूएस में, उससे मतलब नहीं, डिपेंड करता है आपकी कंट्रोल पैनल की रीजनल सेटिंग क्या है आप, ठीक है? अगर रीजनल सेटिंग आपकी अगर इंडिया है तो डेट फॉर्मेट ये रहेगा, रीजनल सेटिंग आपका यूएस है तो डेट फॉर्मेट यूएस के हिसाब से रहेगा। तो उसका चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नीचे जो आपका टाइम दिख रहा है उस टाइम को देखो कैसे दिख रहा है। अगर वो MMDDYY दिख रहा है तो MMDD फॉर्मेट है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा डेट का फॉर्मेट है DDMYY, तो मुझे मान लीजिए कि 7 फरवरी आपको भेज लिख के भेजना है, तो मैंने क्या किया, 7/2 टाइप किया और आपको लिख के भेज दिया 7 फरवरी। लेकिन जैसे आपके सिस्टम पे जाएगा ये हो जाएगा 2 जुलाई, समझे? क्योंकि मेरा जो मंथ है वो आपके यहाँ डेट बन जाएगा और डेट जो है मंथ बन जाएगा, समझ गए? तो कभी आपको इस तरह की डेट फॉर्मेट भेजनी पड़े, किसी को डेट भेजनी पड़ी और आप में कंफ्यूजन हो रहा है कि डेट कैसा होगा, उस केस में आप एक दो तरीके, या तो आप अलग अलग भेज दें, क्या 7/2/2022 इस तरह से भेज अलग अलग सेल, या फिर क्या करें, ओके डेट का फॉर्मूला लगा, डेट 2022, 23, 23 दूसरा महीना और 22 तारीख, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। अब ये किसी भी डेट फॉर्मेट में जाएगा तो अपना डेट चेंज नहीं कर, ठीक है? और उसी तरह से टाइम होता है, जैसे मुझे आज का टाइम, अभी का टाइम डालना है तो 8:29 में टाइप कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, 8:29 आ जाएगा। लेकिन मुझे डेट और टाइम दोनों साथ में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 22/2 8:30 और एंटर प्रेस करूंगा, ये डेट एंड टाइम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन यही मैं शाम को 6 बजे लिखने वाला हूं, शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे का टाइम लिखेंगे तो इसमें आपको एएम पीएम देना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो पीएम एएम मिलेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे स्लैश स्पेस देके पीएम लिख के एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 PM बनेगा। और एएम पीएम अगर लिखते हो ना सर, तो मैं आपसे ये करूंगा यहाँ पे पीएम कर देते, मैंने क्यों बोला ऐसा, हमने आपको आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया, हमने बोला कि टाइम अगर मैं पीएम पीएम लिख रहे हो तो आप पीएम एएम को
स्मॉल लेटर में लिखे, किसमें लिखे स्मॉल स्मॉल लेटर, और एंटर मारते हो कैपिटल हो जा रहा है, इसका मतलब उसने डेट टाइम न्यू फॉर्मेट को रिकनाइज कर लिया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी इस पे कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए चाहिए होगा, जनरल कीजिएगा तो ये देखिए डेसिमल बन गया। टाइम क्या होता है एक्सेल में, क्या होता है 1 इक्वल टू 24 आवर, 1 इक्वल टू 24 आवर, और आपने अगर मान लीजिए 17 घंटे 16 घंटे 15 घंटे 18 घंटे डाला, तो 1 को उसी हिसाब से वो डिवाइड कर देगा, 24 घंटे इक्वल टू 1 करके इस तरह से डिवाइड कर दिया है ताकि उसी हिसाब से टाइम बने, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो डेट एंड टाइम टाइप करना आ गया आपको। देखिए अच्छा रहेगा कि आप जो है 24 घंटे वाला मेथड अपनाएं कि 18 बजे डाले ऑटोमेटिक वो 6 बज जाए, ये भी आप डाल सकते हो टाइम। उसके बाद आता है रेफरेंस एंड फॉर्मूला। देखिए एक्सेल के अंदर में आप जो है ये रहा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे मुझे 100 है, मुझे इसमें 20 ऐड करना है, तो जस्ट इक्वल इसको प्लस किया और हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, आ गया सर। तो इस तरह की चीजें आप जो करें जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, मुझे सम में 20 ऐड करना है, तो मैंने इक्वल किया, इसको सिलेक्ट किया और प्लस 20 लिख दिया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए क्या ये जो A2 प्लस हुआ, तो A2 क्या है, A2 इज द सेल एड्रेस, ए कॉलर एंड टू नंबर हो, तो हमने A2 क्यों किया, हम डायरेक्ट यहाँ पे 90 प्लस 20 कर सकते थे, लेकिन फिर क्या होता है कि 90 जो है 95 हो जाता, तो ये अपने आप को अपडेट नहीं करता, तो उस केस में हम इस सेल का एड्रेस लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए 115 आ गया, ठीक है। अब इसी को हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे कि A2 आया, और नीचे देखिए ये आपका A3 A4 A5 A6 A7 ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, और एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर ऐसा ऐसे इंक्रीज नहीं होता, A2 A3 नहीं बदता, तो हमें हर सेल में मैनुअल लगाने पड़ते, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता जब 10-20 हज़ार का डेटा होता। तो एक्सेल के अंदर में जब फॉर्मूला आप लगाते हैं, कैलकुलेशन हो चाहे एक्सेल फॉर्मूले हो, उसको जब ड्रैग करते हो तो उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, तो कई बार पे हमारे लिए बेनिफिट होता है, कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। नहीं। अब बोले सर प्रॉब्लम कैसा होता है, तो हमने क्या किया कि इस बार जो मेरा 20 है यहां पे आई, तो मैंने क्या किया इक्वल इसको सिलेक्ट किया, इसमें प्लस 20 को ऐड कर दिया, मतलब A2 प्लस D1। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, अब A2 A3 बनेगा, तो D1 भी तो D2 बन जाएगा। अब यही पे प्रॉब्लम हो गई कि D1 तो हमारा फिक्स है, अब यहां पे रिजल्ट गलत आ रहा है। तो ऐसे केसेस में मैं चाहता हूं कि जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो 1 हमारा फिक्स रहे, 1 हमारा पूरा बने, तो इसके आगे हम डॉलर का साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे डॉलर का साइन, प्रेस एंटर प्रेस किया, और नीचे की तरफ जब हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट यहां पे आ चुका है, ठीक है, नहीं हुआ। अब इसको अच्छे से समझे, अब मुझे यहां पे क्या करना है, टेबल लिखना है, क्या लिखना है टेबल, तो टेबल में मैं हर ऊपर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है,
5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो यहाँ पे 10 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 15 आएगा। तो ऐसे केसेस में हम इक्वल इसको सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं। अब इसको नीचे ड्रैग करना है, तो यहाँ पे 30 आ गया, 5 3 30, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि तो जब जैसे ऊपर से नीचे ड्रैग किया तो क्या हो गया, जो 13 था वो 14 बन गया। 13 को 14 तो बनना था, बट D12 D11 13 हो गया। इसको मैंने कर दिया फ्रीज। अब क्या होगा कि अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, अब मेरा सही आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 7 के टेबल के लिए आगे करूंगा तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, 70 आ गया। क्योंकि तो जैसे ही इसको ड्रैग करूंगा सी जो है डी बन जाएगा, क्योंकि तो नहीं बनना चाहिए, तो सी को फ्रीज कर दिया। अब इसको आगे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा रिजल्ट सही आया। समझे? आगे चल के ये जो डॉलर वाला कंसेप्ट है ना, बहुत काम होने आने वाला है, क्योंकि फॉर्मूले में इसकी दबा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर? यस तो हमने सीखा सिलेक्शन, डेटा कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमने सीखा शॉर्टकट्स के बारे में कुछ, सिलेक्शन शॉर्टकट, हमने सीखा डेटा टाइप करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, और हमने सीखा कि फॉर्मूला लगाते कैसे लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाते समय हम जो रेफरेंस है उसमें डॉलर साइन को क्या यूज करेंगे। क्लियर है? यस अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने जो शॉर्टकट बताया, कुछ लिमिटेड शॉर्टकट बता दी, मुझे पूरी की पूरी शॉर्टकट चाहिए तो कहां से लाऊं? देखिए, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ हेल्प आ जाएगा। अभी हेल्प नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया नेटवर्क में, ये हेल्प पे सर्च कर लेंगे ना तो आपको आपका मिल जाएगा शॉर्टकट। ठीक है? या ऊपर सर्च में जाए और यहाँ पर टाइप करें शॉर्ट कट्स, ये दिख रहा है आपको एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाए। यहाँ पे कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे सारा शॉर्टकट लिस्ट आ जाएगा, चेक कीजिएगा आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर? ठीक अब आती बारी आती है कि क्लास के बाद की प्रोजेक्ट। तो मैं अभी आपको प्रोजेक्ट में दे रहा हूं एक कैश मेमो, आपको एक सिंपल सा कैश मेमो बनाना है, इसकी अमाउंट को करना है कैलकुलेट। तो चारा। ठीक है? आपको एक कैश फ्लो बनाना है और इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ये फाइल मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूं। ठीक है ठीक है?